अच्छा वेट ही बॉच्ड द लाइन डू इट अगेन डू योर्स अगेन व्हाट्स योर्स Architecture. सो आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द क्रिएटिव कपल्स इन द आर्किटेक्चर इंडस्ट्री एंड वी हैव अ क्रिएटिव कपल राइट हियर विद अस हेलिंग फ्रॉम टेलर्स यूनिवर्सिटी विद ओवर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट ही इज अ वर्चुअसो आर्किटेक्चरल डिजाइनर इमर्जिंग फ्रॉम TMUC विद अराउंड 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड शी इज अ लुमिनरी इन इंटीरियर डिजाइन प्लीज वेलकम टू आवर शो आर्किटेक्ट जलाल एंड आर्किटेक्ट ज़ोया जलाल कैसे हैं आप दोनों अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम निकाला है ऑल द वे बहरिया से आप इधर आए थैंक यू फॉर हैविंग अस थैंक यू फॉर हैविंग अस इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर यू आर वेलकम सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी वुड लाइक टू नो अबाउट यू एंड योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी एज आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर सो फार सो आई ग्रेजुएटेड अबाउट 5 इयर्स अगो फ्रॉम टेलर्स यूनिवर्सिटी एंड एवर सिंस आई ग्रेजुएटेड आई हैव बीन वर्किंग विद मुराद जमील एंड एसोसिएट्स फॉर ओवर 2 इयर्स While working at Murad Jameel, I met Raza Kazim, and ever since then we've been working together as well for the past 1.5 years. Right. जब मैंने अपनी degree start की थी, तो I wanted to be a fashion designer. लेकिन ऐसा जब progressive stages आती गई मेरी मतलब by the end of the year, I wanted to be an interior textile designer. Right. तो जब इंटीरियर टेक्सटाइल मैंने किया था तो उसमें मैंने कुछ अपने फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए थे जिसमें मुझे था कि आई कैन डू समथिंग इन इंटीरियर डिजाइन तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड डूइंग दैट तो मैंने फिर आरके स्टूडियोज ज्वाइन किया था और वहाँ पर आई वाज द स्टूडियो मैनेजर एंड एन इंटीरियर डिजाइनर दैट्स एन इंटरेस्टिंग जर्नी फ्रॉम टेक्सटाइल टू architecture interior designer and to be a studio manager yep usually hum prefer karte hain ki architects hi ho but and that's impressive all right so we'd like to know okay what is it like being married to somebody in the same field so do you often have issues drawing boundaries when it comes to your personal life and your professional life because you're working at the same studio इतने ज्यादा मेरे नहीं ख्याल ये clashes हमारे आते हैं mostly ये होता है कि हम help out कर रहे होते हैं एक दूसरे को और कभी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं इनसे एडवाइस ले लेती हूँ अगर इनको ज़रूरत होती है तो ये मेरे से ले लेते हैं और एक ऑफिस स्पेस में काम करने से मेरे ख्याल में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि आई थिंक कि मुझे एक सपोर्ट सिस्टम भी मिल रहा है एज अ फ्रेंड एज अ हस्बैंड एज माई बॉस Right. So it has been mutual learning for you. It is. And one thing I'd like to add, we're still trying to learn the difference between trying to make a balance between work and profession. Having a wife who's in the same field is like having a free employee just to make sure that कह सकता हूँ कि you know वो काम कर दो please ये काम कर दो sometimes I'm busy with my projects so I have to divide work. तो आई कैन जस्ट पिक हर अप एनी टाइम बी लाइक यू नो BOQ में हेल्प कर दो मेरे साथ या इंटीरियर्स में हेल्प कर दो सबसे मुश्किल चीज़ है रिसर्च कर दो फाइंड मी सम यू नो पर्टिकुलर आर्टिकल्स फ्रॉम लेट्स से व्हाटएवर जो कंपनीज हैं तो इट इज इट्स हेल्पफुल आई फील लाइक माई वर्क इज डिवाइडेड एज वेल एंड दैट वे आई कैन do many more rather than if I was just alone right. and at the same time hamara jo relationship hai wo bhi isse kafi you know we're like a boss or employee bhi hain hum aur wo bhi hain husband and wife bhi hain to sometimes you know when I get angry ke matlab ye is tarah kyun nahi hua us tarah kyun nahi hua so then she's like you know calm down so it is a lot of fun though yeah. it is fun kitni achhi baat hai na aap डिजाइन करे रेंडर आपकी बेगम ये बाकी फसल में होता है सबसे मुश्किल काम बेगम को पढ़ा दे बीओ क्यू भी करो रेंडर भी करो मैं घूम जाऊंगा दैट्स द इजी पार्ट
चलो मैं भी लगाता हूँ. हाँ नहीं तो उन्होंने लाइक अगर इंटीरियर से आर्किटेक्चर में आ सकती है तो आई थिंक मेरी वाली भी फाइनेंस एक टाइम पे in my room we have our setup as well for this PC setup bhi hai kamre mein, TV bhi chal raha hota hai usme movies bhi hum dekh rahe hote hain aur piche se main isko awaaz deta hu ki yaar how does this look, how does this material look. So it's sometimes you know because when you say when you feel like you know you want to go on this route and then you have someone who gives you a second opinion so it decision making bhi usme thodi si easy ho jati hai aur confidence bhi aa jata hai. And I feel like a lot of times that I've asked her for, you know, design advice, my clients have really appreciated our work as well. Nice. So I think this is, even if she leaves this field, it's still going to be the same. I'm going to be asking her, kis tarah ye, kis tarah. Oh, that's nice. Competition? Aata? Nahi, competition nahi hai. Nahi. Nahi, because we haven't, you know, when we work on different projects at the same time to phir shayad competition aayega but at the same time we're just working on the same project and we divide the work to us tarah se wo nahi hota. Ha thoda sa ye hota hai ke sometimes we do get angry at each other ke nahi tumne wo kaam kyun nahi kiya ya ye wo kyun nahi hua. But it's all fun and games and the best thing is ke it's not always work for us then because it's spending time with each other as well as working. So hitting two birds with one stone wali baat ho gayi hai. And kudos to Sir Raza. Jalal jaise bhi aapne kaha ki abhi aap log ek hi project pe kaam kar rahe hain to isliye abhi enjoy भी कर रहे हैं और वो वाला competition वाला element नहीं आया. क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप दोनों ने independently काम किया within the office या office से बाहर रहते हुए? अगर नहीं किया तो would you be open to the idea of working independently या आदत होगी एक दूसरे की? I'd say we do work on projects independently because I focus a lot on the architecture part, meaning the building itself, and she focuses on interiors a lot. So usme ye because although we do work on the same projects but it's she has a different set of skills and then I have a different set of skills and rather than judging each other we support each other in that way ke I take her in, I'm pretty confident with her work as well and then she's also of course confident with mine so wo ek wavelength match kar jata hai. Somehow I feel like whenever I design something and whatever I have in mind for the interior wo automatically inko mere khayal se transfer ho jata hai. So then it's till now till date it's we haven't fought over anything like that ke matlab it should be this way or it should be that way. But I feel like even if we do it's still going to be a lot of fun experience. Right. Acha kisi se main like not scripted aise question mere zehen mein hai wo ye hai ki what the fuck hai ki too much presence of someone beshak wo aapka partner na ho like aapko thodi si space chahiye hoti hai. Most of the time it's the office or it's the friend jahan pe aap kehte ho zara thodi zara apna main zara karo enjoy. अब आपका पार्टनर आप सब घर में भी है ऑफिस में भी है कभी कभी तंग नहीं है रास्ते में भी है. नहीं मोस्टली ये होता है कि ऑफिस में तो मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल उसमें कोई हमारा वो नहीं होता कि बस बॉस और एम्प्लॉय वाला ही हमारा रिलेशनशिप है. गाड़ी में हम रास्ते में ऑफिस के बारे में डिस्कस नहीं करते. वहाँ वो बॉस है. नहीं नहीं गाड़ी में कोई बॉस नहीं. गाड़ी में हम लोग फिर रैंडम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में या कोई भी अगर कोई चीज हो जो समझ ना आ रही हो बात कर ली डिस्कशन कर ली. घर में अगर कोई काम नहीं है तो हम लोग मूवीज देख रहे हैं और बस हम जोन आउट मतलब दुनिया से अलग है. अच्छा. उसमें कोई नहीं है कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है ना कोई मसला होता है. तो ऑफिस प्रोफेशनल है गाड़ी में फ्रेंड्स बन गए घर आके बस अलग ही सीन होता है. एंड आल्सो वी हैव नोन ईच अदर फॉर अबाउट 3 इयर्स बट वी हैव बीन मैरिड फॉर द पास्ट सॉरी 4 इयर्स बट we've been married for 6 months now so we're still learning. It's a fun experience in a way that kyunki ab hum discover kar rahe hain ek dusre ko bhi discover kar rahe hain apne aap ko bhi. So the more time we spend with each other we take it in a positive way instead of you know ki main har waqt apni biwi ko dekh raha hota hu yeah which I don't mind at all you know but we take it in a positive. For our next question when you work at Arke Studios kyunki aap log
काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे इकट्ठे काम कर रहे हैं, हाउ डू यू इंश्योर इन अ प्रोफेशनल बाउंड्री अ कोहेसिव विजन? के व्हाट आर अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू फॉलो, व्हाट इज योर वर्क स्ट्रेटजी? इसमें ये होता है कि मोस्टली नहीं फटे इसलिए नहीं होते क्योंकि मोस्टली लीड ये करते हैं और ये काम दे देते हैं और फिर उसके बाद वो काम बस मैंने इंश्योर करना होता है कि मतलब एज अ स्टूडियो मैनेजर कि वो चीज हो, टाइम पे हो. ठीक है, तो ये फिर इनको इस तरह से शिकायत नहीं मिलती कि मतलब ये चीज टाइम पे नहीं हुई, मैंने काम दिया है तो ये क्यों नहीं हुआ. वो फिर मैंने मेक श्योर करना है. बट इसमें एक आई वुड लाइक टू ऐड कि इसमें एक ट्रस्ट एलिमेंट भी आ जाता है कि अ लॉट ऑफ द वर्क I do trust her ke matlab she would be able to do it in an efficient way as well and according to the client's let's say demands and ek hame fayda ye hai ke because of course I'm male and she's female so we have a different mindset as well sometimes I read something out of the contest she has quite different meaning mein le leti hai and sometimes I don't understand what the client is actually asking for then that's where she comes in so At the moment, तो एक टीम वर्क ही चल रहा है. आई होप इट बी द सेम. बट वन मोर थिंग के अ लॉट ऑफ माय प्रोजेक्ट्स आल्सो डिमांड मी टू गो आउट ऑन साइट विजिट्स फॉर लेट्स से अ वीक एज वेल. समटाइम्स आई एम देयर फॉर 3 days, 4 days. तो वो उस तरह से हम लोगों का वो नहीं है कि यू नो वी टुगेदर ऑल द टाइम. दो वी आर ब्रेक मिल जाती है उस तरह से. बट एक तो ये भी है कि इट्स वेर क्वाइट यंग एंड क्वाइट पैशनेट एज वेल बट सो वी आर वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम. उसकी वजह से हम फोकस जो है एट द मोमेंट काम पे ही कर रहे हैं. लेटर स्टेजेस में मे बी we work at different firms perhaps ye bhi ho sakta hai but we want to learn first. I want to teach her everything I know and I want to learn everything she knows and once we are confident enough then I think we can work at different firms perhaps. And what about working independently, starting something of your own? दोनों मिल के हाँ इस इसके बारे में बात हुई भी है लेकिन अभी आज तक क्योंकि अभी लर्निंग स्टेजेस पे हैं तो अभी वो बस एक आइडिया ही है. जी इसमें ये भी आता है ना बिकॉज व्हेन यू वर्किंग विद अदर फ्रेंड्स व्हेन यू वर्क व्हेन यू हैव अ बॉस एज वेल तो वो उसमें है कि यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आई माई सेल्फ आई डोंट हैव आई मीन आई डू हैव सम कॉन्टैक्ट्स हियर एंड देयर मुझे काफी प्रोजेक्ट्स मिलते भी हैं. But working with someone who's been in the field who has many senior contacts तो उससे ये है कि काफ़ी कॉन्फिडेंस उस सेंस में मिल जाता है कि आई मीट लॉट ऑफ सीनियर पीपल एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू फॉर वेरियस थिंग्स इन द फर्म. तो वो ये है कि आई वांट टू लर्न ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स फर्स्ट, लर्न द रोप्स, देन परहैप्स मे बी लेटर ऑन वी कुड स्टार्ट आवर. आई डोंट बाय बोल देंगे एक दो दो आगे जैसा नुकसान यस आई थिंक आई विल स्टील हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम दिस फर्म नॉट जस्ट वन यस डिजाइनर भी है स्टूडियो हेड मैनेजर भी है. ओहो तो लोकी ये हम दोनों के फ्यूचर फर्म की ही ट्रेनिंग हो रही है हमारी. यस आई थिंक इनका वो नोटिस पीरियड अच्छा खासा लंबा होगा. कम से कम 2 साल का तो होगा. 2 साल का होगा. चले अभी से नोटिस दे. आर देयर एनी इंटीरियर डिजाइन ट्रेंड्स या आर्किटेक्चर डिजाइन ट्रेंड्स जो आप लोगों को एक्साइटिंग लगते हैं और आप उनको अपने डिजाइन में इन्फ्यूज करते हैं या जो चलता आ रहा है वो ही तो अभी तक जितने भी हमारे प्रोजेक्ट आए हैं तो उनमें अगर मैं किसी क्लाइंट को बता रही हूँ कि मतलब एक मूड बोर्ड बना के दूंगी स्टार्ट वहां से मैं करूँगी तो उनको मैं बताती हूँ कि मुझे मेरा विजन ये है. लाइट कलर्स यूज करने से ओपननेस ज्यादा आती है क्योंकि अभी आजकल जैसा ये घर बन रहे हैं कमरे बन रहे हैं तो छोटी स्पेसेस होती हैं वो तो उनमें मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा एटलीस्ट सिंपलिसिटी हो ज्यादा और वही चीज अभी तक ट्रेंड में मुझे लग रहा है कि चल रही है यहाँ पे शायद वो मेरा एक पर्सनल अपना है. बट एट द सेम टाइम आपके पास काफी लिमिटेशंस भी आ जाते हैं बिकॉज यू नो इट्स नॉट योर वर्क इट्स द क्लाइंट्स वर्क और उनका टाइम फ्रेम होता है उनकी डिमांड्स होते हैं. We do try to, you know, tell them what way to go in, but काफी बार उनका ये होता है कि you know what we want is what we want. आप उसको resolve करके दे दें. So how do you manage power in your dynamic as a couple now that you're two creatives moving in the creative field? So
do you face hurdles? Yeah, how do you see yourselves navigating? Because let me answer this question. She's not saying no, so but isse hi pata chalta hai ki hamara ye hai, we have this divide and conquer wala strategy chal rahi hai. We architects, we mostly look into things like black and white. Hum structures jo hain usko zyadatar dekhte hain, architectural elements ko dekh rahe hote hain. But when it comes to the interiors of buildings and all that, to usme jo color aata hai, I feel like Zoya not only brings the color into my life but also into my projects. So I let her just, you know, do that part. Usse ye bhi ho jata hai ki, you know, मेरे दिमाग से एक बोझ जो होता है उसका कि यू नो उसमें क्या करना है वो एक बिकॉज इंटीरियर्स इज ऑल्सो अ फील्ड इन इटसेल्फ, उसमें भी काफ़ी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं. तो वो डिवाइड एंड कंकर वाले में यही हो जाता है कि यू नो पावर, हमारे पास काम भी आसान हो जाता है और फिर हम एक दूसरे को ब्रीच भी नहीं करते. अब हम आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर राउंड पाकिस्तान, ठीक है. सो फर्स्ट वन, योर फेवरेट आर्किटेक्चरल लैंडमार्क कौन से? Can we come to this question baad mein? It's a rapid fire. What architectural landmark does your spouse like? No? None? Statue of Liberty. What? Sorry, I made the wrong one. You answer this one. I'll let you have this one. Answer it, Their ड्रीम वेकेशन स्पॉट? Ah, Switzerland. Okay, ठीक है. Their preferred software for design? Photoshop. Oh, we have tried. We have tried. चलो कोई एक तो आया. Craziest design idea they have had? School one, definitely. Yeah, she's leading with one point. Their dream collaboration? Raza and Zoya. Alright guys, thank you so much for a very fun-filled episode. Thank you for having us. Yes, it was a lot of fun. It was a new experience as well and we enjoyed it a lot. Thank you so much. नहीं, we did enjoy और हमें पता चला couples like मैंने शुरू में होता था अक्सर अम्मा ढूंढ रही होती थी ना कोई आगे में कहता आर्किटेक्ट से नहीं करनी, इतना कंपटीशन होगा, बोले ये क्या बनाया तुमने? Butting heads all the time. हाँ. Here's an advice. इतनी बुरी आर्ट लग रही है. For architects that haven't are still single, marry an architect or a designer. आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा. वो या डिवाइड हो जाएगा. A free employee. Free employee. Bye. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much.